पिक्चर चालू करो जी। प्रताप जी, दूसरे पहले चरण का बताइए, असेसमेंट आपका क्या है और दूसरे चरण में राहुल गांधी की इस फाइट के लिए तैयार है? बिल्कुल, अभी भाजपा प्रवक्ता को सुन रहा था तो लगता है कि मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि हम 400 जीतेंगे, अमित शाह जी कहते हैं हम 400 जीतेंगे, यहाँ प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम आंकड़ों में नहीं जाते, इसका मतलब मोदी जी झूठे हैं। क्या बात कर रहे हैं, अमित शाह जी झूठ फैला रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं? अब यहाँ पे बैठ के जनता को धूल झोंकते हैं तो कहते हैं ना, किसी ने धूल क्या झोंकी आंखों में, कमबख्त पहले से ज्यादा बेहतर दिखने लगा। तो भाजपा वाले आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप जानते हैं ना, मदारी क्या है, वो अनपढ़ होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो खूब ताली बजवाता है जनता से और अंत में झोला उठा के चला जाता है। तो आज जनता देख रही है और कह रही है कि 10 साल से हम तो खूब ताली बजाए हैं, अब मदारी को झोला उठा के जाने का वक्त आ गया है। 102 सीटों पे इन्होंने नहीं बता पाए कि हम कितना सीट जीतेंगे। हम तो कह रहे हैं हमने पिछली बार 45 जीते थे, इस बार 70 जीतेंगे। 70 और दूसरे चरण हमारा इंडिया गठबंधन और दूसरे चरण दूसरे वोट होने दीजिए ना, दूसरे पे क्यों, अभी पहले की बात है, दूसरे पर बात हो रही है। राजस्थान में 13, एमपी में 7। सुनिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कांग्रेस सामने सामने की बात सुन लीजिए ना मानिक जी, भाजपा की तरह थोड़ा हमको भी मौका दे बोलिए। बात है जिस तरीके से भीष्म पितामह जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, शिखंडी सामने आ जाता तो बाण नहीं चलाते। जनता कहती है शिखंडी सरकार सामने आ गई है, हम वोट देने अब इसको नहीं जाएंगे। जो मजबूत है उसका वोटर मजबूत है, वोट बैंक पे जा रहा है, वोट दे रहा है, ये कह रहा है कि सामने शिखंडी खड़ा है, भाजपा रूपी शिखंडी, इसको हम वोट नहीं देंगे। 40 साल मैंने भिक्षा मांग कर तो अब वो शिखंडी को वोट नहीं दे रहे हैं और अपने ऊपर पाप नहीं लेना चाह रहे हैं, इसलिए जा नहीं रहे, इसलिए वोट परसेंटेज कम हुआ है। आंकड़ा महाभारत से समझिएगा। 30 साल तक भाजपा अपने काम नहीं गिना रही, राहुल गांधी के कह रहे रैली कितना करिए। अरे भाई, राहुल गांधी जी कितनी रैली करेंगे नहीं करेंगे, अकाउंट तो फ्रीज आप कर देते हो, जब कोर्ट झूठ बोलता है तब जाके किसी तरीके से अकाउंट खुलते हैं। विपक्षी नेताओं को जेल में आप डाल देते हो बेसरमों की तरह, बात करते हो राहुल गांधी जी कितने, तू चुप रहे। अरे रैली करने का शौक आपको है, पैसा बर्बाद करने का शौक आपको है, अरे इतना काम किए होते तो इतना रैली करने का, दर दर ठोकर खाने का जरूरत नहीं होती। सरवाल कुछ काम किए होते तो काम बोलता ना, कि हेलीकॉप्टर से जनता के बीच में जाके मन की बात सुनते उनकी। राहुल कितने वोटों से जीतेंगे? राहुल कम से कम 10 लाख वोट से जीतेंगे, कम से कम 10 लाख वोटों से जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। और राहुल गांधी नहीं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं मैं, समग्रता में विश्वास रखता हूं, सामूहिकता में विश्वास रखता हूं, इंडिया गठबंधन का हर प्रत्याशी 5 लाख वोटों से जीतेगा, ये आज आपको बता रहा हूं। दूसरे दौर का है, पहले दौर का, सारे दौर के 542 सीटों 43 सीटों से, क्यों मैं बता रहा हूं ना, भाजपा का वोटर वोट देने नहीं जाएगा, कह रहा है कि सामने शिखंडी है और शिखंडी सरकार को हराना है। गजब बेइज्जती है, बातें है, मैं बहुत दावे के साथ कर रहा हूं। अच्छा, 10 लाख से जीतेंगे राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के बाकी सारे उम्मीदवार जीतेंगे 5 लाख वोटों से जीतेंगे। के शर्मा, क्विक रिस्पांस बोलिए। के शर्मा, ये तो मोदी जी को झूठा बोल दिए, के शर्मा जी के पास बचा क्या बोलने के लिए? मोदी जी दिन भर आंकड़े गिनाते हैं, 400 400 400, ये तो कह रहे हैं मैं बिना आंकड़े का हूँ, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। के शर्मा बोलिए। के नहीं, मैं किसी मूर्ख की बातों का क्या जवाब। अच्छा, एक ज्ञानी से पूछ लीजिए ना, आपने कितनी सीट आएगी गिनती पता है इनको? अरे ज्ञानी से पूछिए, अरे मोदी के भक्त, आप बताओ ना कितनी सीट आएगी? धूल जम जाती है, मुंह में दही जम जाती है, जनता की आंखों में आपकी ज्ञानता और महानता पूरा देश देख रहा है। महंगाई की बात करते करते, चुनाव की बात करते तो अच्छा लगता, थोड़ा आप ज्ञानी समझ में आते, लेकिन महामूर्ख हो गए आप। आप इनके मूर्ख शब्द पे आपने रुकिए, मैं वही कह रहा हूँ, आप रुकिए तो सही। ठीक किया ना मैंने, के पर्सनल प्लीज, नो पर्सनल कॉमेंट। के चलिए आगे, चलिए भाजपा में ऐसे चलिए के चलिए बोलिए। नहीं, तुम्हारी जैसे शिखंडी का मैं तो भाजपा तो हुई, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की। भाजपा शिखंडी सरकार बोल रहे हो तो अपनी ममता बनर्जी का पूरा परिचय दे दिया, इसलिए बता दिया मैंने। अब महाराज जी, मेरा वक्त है, बोले दीजिए, या तो आप दीपक अब रुक जाए वन बाय वन। बत्तमीजी ने चालू की है, इस मूर्ख ने चालू किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, अब आगे चलिए। मूर्ख ने चालू किया है भाजपा को शिखंडी बोल के, चलिए आगे। बिल्कुल, तो
महामूर्ख जी आप ये बताइए मणिपुर पे आपके मानक जी देखिए आपकी बारी है, नो पर्सनल कॉमेंट, पे आइए आगे चलिए चलिए। नहीं होगा मानक जी, अब आपकी गारंटी ना, तो मैं आप इनको रोके होते ना जब से ये शिखंडी बोल रहे थे, इस बदतमीज मूर्ख को रोके होते आप। बैगन लेकिन मैं आपके कहना चाह रहा हूँ नहीं गलत कह रहा कि देखिए आपने मुझसे पूछा 102 सीटों पे, मैंने कहा कि मैं इस पे वो कमेंट नहीं करूंगा, हमारा तो नारा है ही, लेकिन इनकी समझ नहीं आएगी। और मैंने जो चार प्रश्न पूछे उसके तो कोई उत्तर नहीं है। राहुल गांधी सभा नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने मना कर रहा यहां पर, और घुस भी नहीं पाए एक महीने के अंदर, वहां आठ राज्यों के आठ लोकसभा की सीटों के चुनाव हो गए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हो गए, महाराष्ट्र में जो है चुनाव हो गए और उसके पहले चरण के, और यदि वहां पर राहुल गांधी सभा नहीं कर, कांग्रेस ही उनको सभा नहीं करने दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कांग्रेस के लिए? इसका मतलब है कि जनता के बीच आप राहुल गांधी को ले जाना नहीं चाहते, और अखिलेश यादव भी यहाँ मना कर रहे हैं। आज भी जो अमरोहा की बात है तो कांग्रेस की सीट है मोदी जी, क्योंकि पता है कि जैसे ही राहुल गांधी उतरेंगे मैदान में उनको देखकर वोट कट जाते हैं, और कुछ ना कुछ उनको ऐसा कुछ बोलना ही है जिससे उनका जवाब देने के लिए इनके प्रवक्ता कहते हैं उनके भावों को समझिए, उनके शब्दों पे मत जाइए, उनके भावों को समझिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी की हालत है और विपक्षियों की जो हालत है कि आज वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे। अनुराग भदौरिया खड़े नहीं हो पा रहे, रैली नहीं कर पा रहे, ये स्थिति है।